दोस्तों आपने देखा होगा कि अधिकतर लोगों के हाथ पैर कमर और जोड़ों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में अकड़न दर्द रहता है, रात को अच्छे से नींद नहीं आती है, दिन भर शरीर पर सुस्ती रहती है, आलसपन रहता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, मन में चिड़चिड़ापन रहता है, स्ट्रेस रहता है, पूरा दिन थका हुआ महसूस करते हैं। ये जो दिक्कतें हैं, सारी के सारी दिक्कतें खाने पीने पर ध्यान ना देने की वजह से होती है। इससे शरीर हमारा कमजोर हो जाता है। अगर आपको हमेशा दवाइयाँ खानी पड़ती हो, आपके शरीर में ताकत की कमी महसूस कर रहे हैं, शरीर में हमेशा दर्द रहता है, कोई बीमारी हो गई है, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में जो आपको रेमेडी बताने वाला हूँ, इसका इस्तेमाल करके देखिएगा। चाहे आपकी उम्र 30 साल, 40 साल या फिर 60, 70 साल क्यों ना हो, इस रेमेडी के इस्तेमाल करने से आपको भरपूर फायदा मिलेगा। शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, हाथ पर कमर दर्द, सुस्ती, आलस, थकान, खून की कमी दूर हो जाएगी। 75 की उम्र में भी आपको जवानी वाला स्फूर्ति मिलेगा, ताकत मिलेगा। तो बिना देरी किए जानते हैं इस रेमेडी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं हूं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और आप देख रहे हैं रुद्र होम रेमेडीज। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज लेनी है वह है रागी, जिसे फिंगर मिलेट या फिर कई जगहों पर इसे नाचनी के नाम से भी जानते हैं। आपके शहर, आपके गाँव में इसे किस नाम से जानते हैं आप कॉमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को फायदा मिल सके। वैसे रागी का इस्तेमाल साउथ में बहुत ज्यादा होता है, महाराष्ट्र में भी लोग करते हैं, बाकी नॉर्थ इंडिया में पहले के लोग इस्तेमाल किया करते थे, अब के लोग भूल गए हैं, क्योंकि रागी के फायदों के बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। पुराने समय में लोग रागी व बाजरे की खिचड़ी खाया करते थे, जिससे उनकी बुढ़ापे में भी हड्डियां मजबूत होती थी। किसी भी अन्य के मुकाबले इस रागी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और आयरन होता है। हर एज ग्रुप के लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। जो भी लोग रागी खाते हैं ना, उनको कभी भी अर्थराइटिस व हड्डियों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं रागी का सेवन आपको कैसे करना है। आपको बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से कीजिएगा। रागी को सबसे पहले आप ले आइए, ये छोटे छोटे लाल दाने होते हैं, इसे आप अच्छे से तवे पर भून लीजिए। आपको मीडियम लो गैस पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लेना है। इसके अलावा हमें चाहिए भीगा हुआ किशमिश। मैंने इसे भिगो कर रखा हुआ था रात भर के लिए। देखिए अच्छे से भीग चुका है, इस तरह से आप भी रात भर के लिए किशमिश को भिगो कर रखिएगा। अब चाहिए आपको 1 गिलास उबला हुआ दूध। दूध को बॉयल कर लीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। आपको रागी को कूटना है, इसे खरल में कूट लीजिएगा। कूटने के बाद 2 से 3 चम्मच की मात्रा में रागी मिलाना है, 15 से 20 दाने किशमिश का मिलाना है और इसे घोल कर पी जाना है। दूध को पीते हुए आपको किशमिश को चबा चबा कर खा लेना है। अगर इसे आप और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो इसमें 4 से 5 भीगे हुए बादाम भी ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोग बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें वे लोग, भीगे हुए मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर इसके इस्तेमाल करने से हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न, जकड़न है, सुस्ती, थकान है, वो दूर हो जाएगी। रेगुलर इसका 45 से 60 दिनों तक इस्तेमाल करके देखिए, शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। शरीर में कैल्शियम की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, आयरन की कमी है, खून की कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा रागी का और भी तरीकों से आप सेवन कर सकते हैं। इसका चीला बनाकर, इसकी रोटी बनाकर खा सकते हो। रागी का माल्ट बनता है, माल्ट बनाकर पी सकते हो। रागी को किसी न किसी रूप में इसे जरूर डाइट में शामिल करो। जो मैं रेमेडी बताया हूँ, इसके अलावा की बात कर रहा हूँ। खाने में, भोजन में आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन तो जरूर करना। आज के समय में बहुत से लोग कैल्शियम की कमी से जूझ रहे हैं, तो कैल्शियम से भरपूर कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। इन्हें भी आप डाइट में बारी बारी से शामिल करते रहिएगा। तो कैल्शियम के लिए आप तिल का सेवन कर सकते हैं, पालक, बथुआ, बैंगन, टिंडा, तुरई, लहसुन, गाजर, भिंडी, टमाटर, हरा धनिया, करेला, अरबी, मूली और पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको गठिया है, अर्थराइटिस है, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको टमाटर, पालक, अरबी, मूली, गोभी का सेवन नहीं करना है। किन्हें नहीं करना है? जिनके शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा है, पथरी की समस्या है, या फिर जिनको गठिया अर्थराइटिस है। इसके अलावा बादाम, अखरोट, तिल, सनफ्लावर सीड्स का सेवन जरूर करें। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जानकारी कैसी लगी आप हमें बताइएगा, और वीडियो को जाते जाते लाइक और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ इस रेमेडी को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता ये जानकारी किनके काम आ जाए। जो दूसरों की भला करता है ऊपर वाला, उसकी भला करता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।